नमस्कार, स्वागत है आपका पंचायती टाइम्स में। मैं वासु त्यागी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 8 फरवरी यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती है। आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ खास पल। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के बाद भारत अंग्रेजों की कैद से मुक्त हो गया और आजादी के कुछ साल बाद जब देश का कानून लागू हुआ, तब से अब तक कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण की और देश को आगे बढ़ाया। पहली बार किसी मुस्लिम राष्ट्रपति के हाथ में भारत की कमान आई और वे थे भारत रत्न जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन हैदराबाद के रहने वाले थे। वैसे तो इनका जन्म भारत में हुआ, लेकिन उनके जन्म के बाद उनका परिवार कामयांश में जा बसा। बताया जाता है कि उनके परिवार का संबंध पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाली पश्तून जनजातियों से भी था। माता नाजनीन बेगम और पिता फिदा हुसैन के 7 लड़कों में से जाकिर हुसैन दूसरे नंबर के थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जाकिर हुसैन ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई इस्लामिया हाई स्कूल से की, जो कि इटावा में स्थित है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई की। 23 साल की उम्र में हुसैन साहब ने अपने शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय का निर्माण किया, जिसे नींव रखने के 10 साल बाद दिल्ली में पूर्ण रूप से स्थानांतरित किया गया। जाकिर हुसैन ने अपने जीवन काल में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की। उनके काम के प्रति प्रेम भाव को देखकर उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। साल 1948 से लेकर 1956 तक वे इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति को पद्म विभूषण से साल 1954 में सम्मानित किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले जाकिर हुसैन को देश के सबसे बड़े सम्मान यानी कि भारत रत्न से भी नवाजा गया। मेहनत और लगन से हर क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल करने वाले जाकिर हुसैन को कई राज्यों के विश्वविद्यालयों ने डीलिट यानी कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की पदवी भी दी। ऐसी अन्य खबरों के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और जुड़े रहें पंचायती टाइम्स के साथ। नमस्कार।